नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लोजपा में टूट या फिर लोजपा में दो फाड़ की खबरें कल रात से ही जंगल में आग या फिर हवा में वायरस की तरह फैल रही है। जगह जगह इसकी चर्चाएं हो रही है। न केवल इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है, बल्कि इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन नुकसान केवल चिराग पासवान का होगा ये आप नहीं कह सकते हैं। नुकसान और दलों के बड़े नेताओं को भी हो सकता है। वो कैसे होगा और वो कौन से नेता है वो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि आखिरकार ये सारी चीजें किस तरह से हो रही है और पूरा गणित क्या है, और पशुपति पारस और चिराग पासवान में दो फाड़ होने के बाद बिहार प्लस केंद्र की सियासत की गणित जो है वो कैसे बदलने वाली है। सबसे पहले बात 2019 लोकसभा चुनाव की करते हैं। आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत कर आई थी, जिनमें से 6 सीटें लोजपा के खाते में गई, 16 सीटें जेडीयू के और 17 सीटें बीजेपी जीत कर आई। एक सीट जो बची थी किशनगंज की सीट, उस पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। आरजेडी खाता नहीं खोल पाई थी। हम और वीआईपी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन 6 सीटें जो लोजपा जीत कर आई थी, अब उस पर सियासत तेज है। आपको पता होगा कि 5 सांसद लोजपा के वो एक खेमे में जा चुके हैं और चिराग पासवान जो जमुई से सांसद हैं और वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दूसरे खेमे में बिल्कुल अकेले रह गए हैं। अब सियासत तेज हो गई है। हमने आपको शुरुआत में बताया कि नुकसान केवल चिराग पासवान का नहीं है, नुकसान अन्य पार्टी के नेताओं का भी है। वो कौन से नेता हैं हम आपको बताते हैं। बात हमने की 2019 लोकसभा सीट की, लेकिन अब बात हम 2024 लोकसभा चुनाव की करने जा रहे हैं। आने वाले समय में यानी कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बड़ा नुकसान हम और वीआईपी को हो सकता है, क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब हम और वीआईपी दोनों ही महागठबंधन में शामिल थी। यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, हम और वीआईपी का एक गठबंधन था, महागठबंधन, जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टूट गया था। मुकेश सहनी ने बीच में ही गठबंधन को तोड़ा, फिर मांझी भी एनडीए में आ गए थे। इसके बाद समीकरण बहुत ज़्यादा बदला था पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, लेकिन अब इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और बुरा असर मांझी और सहनी पर पड़ सकता है। वो कैसे ये जानिए। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि लोजपा के पास जो 6 सीटें हैं वो कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहली सीट की बात करें, चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं, पशुपति पारस खुद हाजीपुर से सांसद हैं, प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद हैं, चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं, वीना देवी वैशाली से सांसद हैं और महबूब अली कैसर खगड़िया से सांसद हैं। अब बात वीआईपी और हम की। वीआईपी को 3 सीटें दी गई थी महागठबंधन में लड़ने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जहां पर खगड़िया लोकसभा सीट से खुद वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी लड़े थे। और आपको अच्छे से पता होगा कि खगड़िया सीट पर महबूब अली कैसर का कब्जा है और आने वाले चुनाव में जीती हुई सीट तो वो नहीं देंगे किसी भी हाल में किसी भी अन्य नेता को। तो वीआईपी की तरफ से खगड़िया से खुद मुकेश सहनी दावा कर रहे थे, हालांकि वो चुनाव हार गए। और दूसरी सीट मुजफ्फरपुर और तीसरी सीट मधुबनी उन्हें दी गई थी। वहीं बात अगर हम की करें तो गया सीट से खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे और औरंगाबाद से भी हमको सीट मिली थी, साथ ही साथ नालंदा लोकसभा सीट से भी उन्हें जगह दी गई थी। लेकिन औरंगाबाद की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार का वहां पर कब्जा है। तो आप खुद समझिए कि आने वाले 2024 के चुनाव में वीआईपी और हमको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मुकेश सहनी जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी हम की तरफ से भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है, हम पार्टी के नेताओं को जो जीत कर आए हैं, उसके बाद ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है कि आखिरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में दिक्कतें चिराग पासवान के अलावे खुद वीआईपी और हमको मिलने वाली। ऐसी में केवल 2 सीटें बचती हैं एनडीए
के पास, एक तो किशनगंज और दूसरा बच जाता है जमुई। अगर चिराग पासवान एनडीए खेमे के लोगों को मनाने में शामिल नहीं हो पाते हैं तो, लेकिन मुश्किल ये भी खड़ी होती है कि आखिरकार मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे कैसे, क्योंकि किशनगंज आपको अच्छे से पता है सीमांचल का इलाका, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर अभी तो कांग्रेस और AIMIM की धाक दिखाई देती है। और बात रही जमुई की, तो वहाँ से खुद चिराग पासवान जीत कर आए हुए हैं, तो ये बड़ी मुश्किल जो है हम और VIP के सामने खड़ी हो रही है कि 2024 के चुनाव में इन दोनों पार्टियों के दोनों बड़े नेताओं को बड़ी मुश्किलें हो सकती है। चिराग पासवान के ऊपर अब सब डिपेंड करता है कि आने वाले समय में क्या चिराग पासवान अपने पार्टी के जितने भी सांसद हैं उन्हें अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं, उनके चाचा पशुपति पारस मान जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चिराग पासवान ने यह भी प्रस्ताव रखा कि उनकी माँ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन लोग उसमें भी नहीं माने, जिद किए हुए हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर भी लिखा गया जिसमें लोजपा के सभी सांसदों ने चिराग पासवान के अलावे ये समर्थन दे दिया कि पशुपति पारस को ही वो संसदीय दल का नेता मानेंगे, और आगे ये चर्चा होनी बाकी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, या फिर लोजपा टूट जाता है, या फिर पशुपति पारस अपने सभी सांसदों के साथ मिलकर केवल JDU का हिस्सा हो जाते हैं, NDA में रहते हैं, या फिर कोई और दल बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी बात ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी बातों के बाद बड़ा असर पड़ सकता है। न केवल चिराग पासवान को घाटा होगा बल्कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे और क्या होता है बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की सियासत में, और कितना बदलाव आता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।